जीवन अद्भुत है साहब, इसकी वास्तविकता को आत्मसात करना सबके लिए सहज नहीं हो पाता है। जीवन जीने का ढंग क्या है, कैसे कैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, हमारी दृष्टि क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारा चिंतन क्या है और हमारा कार्य क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, भिन्नताएं हैं। चल रहा है जीवन अपने स्वभाव के अनुकूल, और बहुत बार अपनी मना स्थिति के अनुकूल। जितना हम अपने मन का संयम कर सकें, जितना हम अपने मन को सूक्ष्म बना सकें और जितना हम अपने मन को नियंत्रित और संयमित कर सकें, उतना ही हम सबके लिए कल्याणकारी है। परिवर्तन तो है, प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। संसार परिवर्तनशील है, कोई वस्तु यहां स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है। जो भीतर से मजबूत नहीं है वो बाहर थोड़ा भी हिलेगा तो भीतर में भूकंप आ जाएगा। जिसकी आत्मा की शक्ति मजबूत नहीं है, जिसकी पहुंच आत्मा तक नहीं है, वो बाहर थोड़ा भी होगा तो भीतर से हिल जाएगा, एकदम भूकंप आ जाएगा। जिसकी आत्मिक शक्ति जागृत नहीं है और जो पूरी तरह से मन के कब्जे में अपने जीवन को चला रहा है, वो थोड़ा भी हिलेगा बाहर तो भीतर से पूरा भूकंप आ जाएगा उसका। और जिसकी आत्मिक शक्ति मजबूत है, जिसकी आत्मा का विकास है, जिसके पास स्वयं की पहुंच है, जो स्वयं में स्थित है, जो आत्मा में स्थित है, जिसको स्व की भूमि का ज्ञान है, बाहर की उठापटक और बाहर का परिवर्तन उसे छू नहीं पाता, वो तो अपने आनंद में अपनी मस्ती में जीता है साहब। सबसे बड़ा धन है आत्मा का धन, कैसी भी परिस्थिति हो उस आनंद से वह दूर नहीं होता। बड़ी भूमिका है हमारे मन की। देखिए कितना परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक परिवर्तन अभी देश में प्रारंभ हुआ है, कितना भूकंप आ गया अनेक लोगों के मन मस्तिष्क और हृदय में। कितनी घबराहट, कितनी बेचैनी। यह संपत्ति तो आती है और जाती है, जो बाहर का धन है वो आता है जाता है,
सबसे बड़ी संपत्ति वाला कौन है? सबसे बड़ी संपत्ति किसके पास है? सबसे बड़ा धनी कौन है? कौन है सबसे बड़ी संपत्ति वाला? सबसे बड़ा धनी कौन है? सबसे बड़ा धनी वही है, सबसे बड़ी संपत्ति वाला वही है जिसने अपने मन को अपने नियंत्रण में रखा है, जिसका मन संयमित है, जिसने मन को साधा है, वो बड़ी संपत्ति वाला है। जिसका विवेक जागृत है, जिसका मन श्वेत हो गया है, ऐसा काला धन दूर करने का प्रयत्न प्रारंभ हुआ है, आवश्यक परिवर्तन है। ये क्या कहता है विहंगम योग? अरे काले मन वाले ही तो काला धन रखते हैं, जब मन स्वच्छ हो गया तो। या तो सब श्वेत श्वेत है साहब, श्वेत श्वेत मैं श्वेत है, श्वेत श्वेत मैं श्वेत, तीन पाद अमृत भरा श्वेत महानद श्वेत, अष्ट चक्र सब शून्य परा, धर अधरा के पार, तहां सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार। जब मन ही श्वेत हो गया, तो जब मन की कालिमा ही नष्ट हो गई, तो सब काला दूर हो गया। रात बहुत काली है, लेकिन रात कितनी भी काली हो, सूर्य की किरणें ज्ञान का प्रकाश उस अंधेरी रात को नष्ट कर देता है, छिन्न भिन्न कर देता है। ऐसा अंधेरा बहुत है, अविद्या का क्षेत्र विस्तृत है, लेकिन अंधेरे की आलोचना की जरूरत नहीं है। अरे ज्ञान के दीपक की जरूरत है, ज्ञान के प्रकाश की जरूरत है, सद्गुरुदेव के सिद्धांत की जरूरत है, स्वर वेद की आवश्यकता है, जिसके द्वारा अंधेरा हट जाए, जिसके द्वारा अंधेरे का शमन हो जाए।